इन लाइक टेंथ आई हैड लाइक टेन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स ऑन माई यूट्यूब चैनल एज लाइक अब डिग्री तो नहीं करनी मेरे को अपने तीन साल नहीं वेस्ट करने हैं एक स्किल अपने हाथ में बिठा लो बिल्कुल लाइक like, कि अगर मेरे को कोई भी कोई इस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो आई हैव द आंसर टू इट Welcome to this episode. और आज के एपिसोड में हमारे साथ प्रथम जिंदल। बिग क्रिएटर सच एज कॉर्क एंड मेनी मोर एंटरटेनमेंट क्रिएटर्स सो ही इज ऑल अबाउट कि आखिर आपको कैसे एजेंसी बिल्ड करनी है फ्रॉम स्क्रैच सो लेट्स वेलकम प्रथम जिंदल प्रथम एंड थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग अवर इन्विटेशन थैंक यू अंचल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाई शुड पीपल वॉच यू और आपने कब कैसे स्टार्टिंग की थी व्हाई शुड पीपल वॉच मी मे बी नॉट फॉर माय फेस बट या डेफिनेटली फॉर माय एजेंसी सो आईज दिस एजेंसी स्टार्टेड इन लॉकडाउन राइट सो आई गॉट माय फर्स्ट क्लाइंट थ्रू दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी सो आई यूज्ड टू वॉच दिस क्रिएटर ऑन यूट्यूब जेबी को लाइव स्ट्रीमिंग ऑन YouTube. Jabi and if you know there's a option to like super chat on youtube and you can show your message on top of every everyone's else so i super chatted in 100 rupees or i was like do you need an editor i am an editor and i love your guys work that's what i did and i sent my like instagram there okay, this is my instagram if you want to get in touch so that's how they got in touch with me and we started working for the first month they were like uh, giving me random work okay just to test me out so, I made about 7000 rupees with them for the first month. And after that, yeah, like they really liked my work and started working together like properly. And after like 5 6 months, so his brother is also a YouTuber. So, he gave me his brother's referral to, okay, like, like you also work for him. Then I was like, yeah, how do I handle this alone? Because YouTube, mein you are constantly putting out videos, right? So, they constantly need to be edited. So that's when I hired people and organically it like through referrals and everything like we started hiring, getting more clients. So after like after like a year we moved to like a proper office, like a three BHK where I was staying in one room, my friend was staying in the other and the third room we created an office. Right. So that's what happened and या आफ्टर दैट बीन नो स्टॉपिंग नो लुकिंग बैक तो आप ना पास्ट में लेके चले हमें जरा थोड़ा कि पास्ट में आपने क्या किया था ट्वेल्थ क्लास में आपको कैसे पता चला था इस फील्ड के बारे में देन कहाँ से आपने सीखा था तो इस फील्ड के बारे में मेरे को सिक्स सेवन्थ में ही पता लग गया था तो यूट्यूब पे मैं देखता था ए आई बी टी वी एफ़ इन सब लोगों को राइट right? इन सब लोगों को देखते देखते मेरे को बड़ा इंटरेस्ट जाग उठा कि लाइक like, कि दे ये भी एक चीज़ है दैट वी कैन डू राइट इससे भी लोग आर अर्निंग मनी एंड दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो एग्जिस्ट करता है तो करते करते स्टार्ट लर्निंग वीडियो एडिटिंग और फोटोशॉप एंड स्टफ़ लाइक दैट मतलब यूट्यूब से ही और ब्लॉग्स के थ्रू आई यूज़ टू लाइक कॉपी कर करके उनको कि हाँ कि ये चीज़ ऐसे बनेगी वैसे आई लर्न एंड अबाउट इन लाइक टेंथ आई हैड लाइक टेन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स ऑन माई यूट्यूब चैनल आई स्टिल रिग्रेट द डिसीजन आए द डे आई स्टॉप्ड अपलोडिंग देयर एंड वो करते 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 इलेवंथ एंड ट्वेल्थ में आई वॉज लाइक ओके अब क्या करें इलेवंथ एंड ट्वेल्थ हैड लाइक दिस थिंग इन माई माइंड कि मेरे को बिजनेस ही करना है एट द एंड ऑफ द डे राइट कुछ भी हो जाए लेकिन आई डू अ जॉब फर्स्ट बट एक टाइम पे आके तो बिजनेस आई नीड टू डू समथिंग ऑफ माय ओन तो दैट्स व्हाई आई पिकड कॉमर्स इन ट्वेल्थ तो कॉमर्स के बाद आई गोट लाइक सम सेंस ऑफ ओके लाइक क्या चीज़ें होती हैं व्हाट आर द टर्म्स एंड एवरीथिंग फिर वहाँ से एज लाइक अब डिग्री तो नहीं करनी मेरे को अपने तीन साल नहीं वेस्ट करने हैं मतलब ये चीज़ जो है वो स्किल्स के थ्रू ही मतलब यू कैन गेट अ इन इन दिस फील्ड राइट तो आई वॉज लाइक कि स्किल्स सीखते हैं डिग्री वगैरह तो चलो ठीक है मैं वो ओपन लर्निंग में डाल दूंगा साइड पर बी होती रहेगी फॉर पेरेंट्स की खुशी के लिए तो दैट्स वे आई जो मैक चंडीगढ़ तो वहाँ से एडिट वी एफ एक्स एंड लाइक थ्री डी एनिमेशन एंड उसके साथ साथ चंडीगढ़ रेस्टोरेंट सोट दैट अलॉट एंड उससे काफ़ी मेरे को नॉलेज हुई कि लाइक हाउ डू यू लाइक इस, इस फील्ड में कैसे वर्क करते हैं वीडियो कैसे काम करती है तो उसके बाद लॉकडाउन like, में कोई काम नहीं था, client, जाना है मुझे यही करना है शुरू में तो बहुत मुश्किल था राइट बिकॉज स्मॉल टाउन राइट किसी को वहाँ पे कुछ इसके बारे में पता नहीं है कि क्या नई सी चीज ही बोल रहा है लड़का क्या इसका दिमाग वगैरह खराब हो गया क्या <laughs> इसके सारे कजन डॉक्टर हैं डॉक्टर क्यों नहीं बन रहा है राइट बट या आई शोर्ट दैम माई यूट्यूब चैनल मतलब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात होती है कि दे आर एजुकेटेड इनफ अबाउट दिस तो उस उनको ये दिक्कत नहीं थी कि, कि कुछ अलग क्यों कर रहा है क्या है उनको ये दिक्कत थी कि हमें नहीं पता ये क्या चीज़ है डज दिस हैव अ फ्यूचर और नॉट तो आई एजुकेटेड दैम उसके बारे में कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें काम करती हैं इसमें ऐसे लोग पैसे कमाते हैं उनको मैंने यूट्यूब चैनल दिखाया अपना कि इसमें ऐसे एड्स आती हैं और आपको पैसे मिलते हैं आगे बट एंड आई वॉज लक्की टू लाइक कि माई पेरेंट्स अंडरस्टूड हर किसी के पेरेंट्स नहीं मानते हैं बट उस मामले में आई कंसिडर माई से पहली कि कि उन दे अलाउड मी उन्होंने मेरे को अलाउ करा कि लाइक ओके लेट्स ट्राई दिस आउट तो जो आपने एजेंसी अभी बिल्ड की है तो आप किन क्रिएटर के साथ अभी काम करते हैं

उनके बहुत ही डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनके बहुत ही डिफरेंट स्टाइल होता है तो जब भी कोई नया क्रिएटर आता है फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मतलब उसके हम देखते हैं कि हाउ डज़ ही लाइक टू प्रेजेंट हिज व्यूज़ कैसे उनकी एडिट में कैसे होता है डू दे यूज़ मीम्स या फिर वो अपना ज़्यादा ये जूम इन्स वग़ैरह या फिर कट्स उनके बहुत फास्ट हैं या स्लो हैं राइट उनकी पेसिंग कैसे रखते हैं वो राइट तो ये सब चीज़ें हम ध्यान में रख के आए वी टेंड टू लाइक उनके स्टाइल के साथ जाए चीज़ें वही हम ज्यादा वो करते हैं अगर हमें लगता है कि यार कि नहीं दिस स्टाइल ये यूट्यूब पे नहीं चलेगा एंड द क्रिएटर कैन स्ट्रगल बिकॉज ऑफ दिस तो हम क्रिएटर को कंसल्ट भी करते हैं कि लाइक ओके कैन बी चेंज दिस हमें लग रहा है कि ये हम ऐसे करेंगे तो ये बेटर होगा तो अभी आपने बताया बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं तो आप क्या क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं उस क्रिएटर की आई उंग

पोर्टफोलियो देखते हैं किसी भी का कि ये जैसे ग्राफिक डिजाइनर है तो आप क्या चीजें देखते हैं कोई वीडियो एडिटर है तो उसके लिए क्या चीज आप देखते हैं फिर फर्स्ट so, जो मेरे फ्यू थे आई um, आई मतलब मैंने अपने इमीडिएट ग्रुप से बहुत सारे हायर करे पीपल वेंट स्कूल हमारा अभी तीन स्टेप का प्रोसेस है फर्स्ट एक गूगल फॉर्म चार स्टेप हो गया एक्चुअली फर्स्ट एक गूगल फॉर्म द फिल उसके बाद आर एच आर कॉल्स एवरी वन एंड दी उस से दे फिल्टर आउट द बेस्ट ऑफ़ द कैंडिडेट्स थ्रू लाइक अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन देन उनका एक टेक्निकल राउंड होता है जिसमें आपका प्रीमियर इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर वीडियो एडिटिंग तो आपका प्रीमियर प्रो के स्किल्स टेस्ट होते हैं अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए अपेयर हो रहे हो तो देन यू आर गिवन अ टेस्ट ऑफ लाइक

कि ये क्या होता है लाइक हाउ डू ये कैसे बनाते हैं मैंने देख देख के लोगों को कि अरे ये चल रहा है ये बना के देखते हैं फिर मैंने क्या करता कि लाइक like, कोई सॉन्ग उठा के आई यूज टू पुट लाइक अ सिचुएशन बिहाइंड इट वन ऑफ दताता हूँ मैं कि सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं ये जो गाना है राइट right? हाँ हा। इसके पीछे मैंने लिख दिया कि वैन यू आर इन मैथ्स क्लास तो ये ये चीज़ें करके आज लाइक like, बड़े फैसिनेट लगता है एंड इट गोट वट लाइक अराउंड सेवन हंड्रेड के व्यूज़

तो उसको भी अभी फ्रीलैंसिंग कर रहे हैं वो उनको भी एजेंसी वगैरह कुछ बिल्ड करना है तो कैसे वो करेंगे कुछ आपके पास टिप्स हैं या कुछ रोड मैप है कुछ, कुछ एडवाइस आप देना चाहेंगे okay. पहले तो आई वुड से की लर्न वन स्किल दैट यू वांट टू बी नोन फॉर राइट जैसे हमारी वीडियो एडिटिंग है तो एक स्किल अपने हाथ में बिठा लो बिल्कुल लाइक कि अगर मेरे को कोई भी कोई इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो आई हैव द आंसर टू इट इवन इफ आई डोंट हैव द आंसर टू इट आई कैन फाइंड इट विद इन हाफ एन आवर एनआवर दैट इज हाउ गुड योर स्किल शुड बी स्किल के बाद आई वुड से की लेट जस्ट की अपने वीडियो एडिटिंग की स्किल पिक कर ली राइट right? उसके बाद फाइंड अ नीश जिस तरह की वीडियोज आपको बनाना पसंद है हमें इंटरटेनमेंट वीडियोज़ हम बनाते हैं प्रेपर मीडिया में ज्यादा बट देर आर कंपनीज हु आर ओनली इन टू फाइनेंस कॉन्टेंट देर आर कंपनी हुर ओनली इन टू डॉक्यूमेंट्री कॉन्टेंट राइट एंड देन डूंग रेली वेल लाइक विद इन दैट स्मॉल नीच टू देर डूंगली वेलिंगाइट से पिक अ नीच लाइक और उस नीच के बारे तो 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 में पूरा जाननाटेनमेंट में जानना कि क्या होता है वट टाइप ऑफ मूवीज शोज क्या वर्क करता है कौन से क्रिएटर्स हैं उनकी आप कैसे हेल्प कर सकते हो एंड देन स्टार्ट बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो राइट पोर्टफोलियो इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट अगर नहीं है पोर्टफोलियो तो देन क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन हु इज स्टॉपिंग यू फाइनेंस का बनना है फाइनेंस की कोई वीडियो बना दो अपने चैनल के लिए राइट पिक अ टॉपिक उस पर वीडियो बना के यू एडिट इट एंड यू शो इट यर क्लाइंट्स के दिस इज़ अ टाइप ऑफ वर्क दैट आई कैन डू अगर आपके पास क्लाइंट नहीं भी है तो मेक योर ओन कॉन्टेंट आई वुड से तो आपने जो स्टार्टिंग में बताया था कि आपने सुपर चैट करी थी फिर आपको ऐसा ऐसा हो गया था तो आपको ये क्रेजी आइडिया आया कैसे था आई मीन देन अगेन आई वॉज इन्जॉइंग द प्रोसेस तब भी मेरे को क्रिएट मतलब ऐसे क्रेजी आइडिया भी नहीं था मतलब देखता ही था मैं तीन चार बारी मैंने उसकी लाइव स्ट्रीम्स देखी थी राइट तो मैंने देखा था पीपल कि लोग उसको अच्छा लाइव स्ट्रीम अच्छा लो, लोग लॉकडाउन में सो लाइव स्ट्रीम कर रहा था राइट हर यूट्यूबर लाइव स्ट्रीम कर रहा था तो लोग उनको पैसे दे रहे थे सुपर चैट पे एंड एवरीथिंग एंड लाइव स्ट्रीम के टाइम आई थिंक आई गोट लाइक एन आइडिया मतलब उनको थोड़ा आइडिया है कि दे नीड एन एडिटर क्योंकि मेरे को मतलब उनकी बातों से या कभी ना कभी, कभी उन्होंने मैंशन करा होगा राइट तो मेरे को लगा ठीक है लेट्स टेक अ वाइल्ड शॉट हंड्रेड रुपीज ही तो है इट्स नॉट लाइक कि चार पाँच हज़ार मैं उनको दे रहा हूँ एंड इट्स नॉट समथिंग मतलब सौ रुपया ही है लेट्स सी राइट इफ नॉट

you maybe take something from like uh, later in the video and put that in the front okay like okay like a teaser for what's coming so these are some of the techniques that you use and then of course like use memes use humor within like within the videos and then we also help with the thumbnail right now with some of the clients so we see okay like this is video message that are the most popular right how do we depict them to make it click clickbaity enough